नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को इस तरह से दबा दीजिए और आपको नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चले चलते आज के लिए फिर एक से वीडियो आपके लिए आया है, जो खुशखबरी है आपको दिया गया है कि इसमें आपको चिट्ठी आया है मेरे। हम देख रहे हैं आपके पास भी गया होगा, तो हम दिखा दे रहे हैं कि 1/2/2021 का ये चिट्ठी है। तो इसमें क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। तो आपको इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि इनका चिट्ठी है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विषय में आपका विषय जो आपके जो मान लिए कि जो आप कैसेज के बारे में चिट्ठी, तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की तिथि विस्तारण करने के संबंध में। तो आपको क्या बताया गया इसमें कि आपका जो टोकन है ना, उसको विस्तारित किया गया है, वही का चिट्ठी है जो आपको निर्देशानुसार आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे आपको आगे पढ़ के दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया था। प्रसंग में आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पे निदेशालय का पत्र 441 दिनांक 28/1/2001, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि इतना तारीख को आपको दिया गया था निर्देश। तो आपको यहाँ पे आगे पढ़ कर दिखा दें कि महाशय उपर्युक्त विषय पत्र के द्वारा राज्य के सभी आंगनबाड़ियों पर पोषाहार टोकनाली प्रणाली के माध्यम एवं सभी बचे हुए लाभार्थी को राशन वितरण करने हेतु। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ कहना है इनको कि मतलब जो टोकन जिसका बच गया है अभी तक जो नहीं कर पाए हैं, तो उसको उसके माध्यम से आपको यहाँ पे बताया गया कि सभी बचे हुए लाभार्थी को राशन वितरण करने हेतु निर्देश किया गया है। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है और उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको दिया गया है कि पुनः निर्देशानुसार माह जनवरी 2021 का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की प्रगति। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ जो माह जनवरी का जो ये टोकन प्रणाली अभी जो चल रही है, आपको वही उसी के बारे में बताया गया है। जो प्रतिवेदन अत्यंत खराब होने के कारण, जो आप मान लिए आपके किसी का मोबाइल खराब, मान लिए कि अभी किसी का मोबाइल ख़राब है या कोई नेटवर्क के कारण या सर्वर के कारण अभी स्लो है और कोई आदमी कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी की बात है कि यहाँ पे दिया गया है कारण टोकन प्रणाली जो खराब सर्वर होने के कारण। आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि दिनांक 5/2, तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि 5/2/2021 तक तिथि विस्तारण किया जाती है। तो आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो टोकन जो है आपको जो 20 यहाँ पे बताया गया है 5/2/2021 तक तिथि विस्तारण किया जाती है। तो मतलब आपको दिया गया है कि आपको यहाँ पे आपको 5 दिन आपको यहाँ पे आपको 5 दिन और आपको मिल गया समय। तो यहाँ बताया गया है कि आपको यहाँ 5 तारीख तक आपको फिर से डेट बढ़ा दी गई है आपको टोकन प्राप्ति करने के लिए। तो आपको यहाँ पे टोकन पर आप जितना भी टोकन होगा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, अपना निकाल के आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फिर से 5 दिन आपको बढ़ गया है। तो आपको यहाँ पे दिखा देगी आगे और भी पढ़ के, जो अतः सभी सेविकाओं महिला परीक्षा को निर्देशित करे कि जनवरी 2021 का पोषाहार वितरण कूपन टोकन एवं सभी बचे हुए लाभार्थी को राशन वितरण शर्त पर यहाँ राशन वितरण 100% करना सुनिश्चित करें। तो आपको यहाँ पे बता दें कि आपको अभी भी यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे जो टोकन जिसका बचा हुआ है तो आपको कर लेना है कूपन प्रणाली द्वारा। तो आपको यहाँ पे बता दें कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे चिट्ठी मिल रहा है कि आपको 100% आपको टोकन द्वारा आपको लाभार्थी का राशन वितरण करना है। तो आपको यहाँ पे आगे और भी आपको बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है सभी साथ ही लाभार्थी का वितरण भी इस अवधि में, तो यहाँ पे बताया गया साथ ही लाभुकों का वितरण भी इस अवधि में अध्ययन करें ताकि फरवरी 2021। तो आपको क्या बताया गया है यहाँ आगे का बताया गया है कि फरवरी 2021 के लिए NIC द्वारा आंकड़े का अद्यतन किया जा सके। तो आपको यहाँ पे NIC यहाँ पे बताया गया है NIC द्वारा। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि जो भी अभी काम हो रहा है अपना टोकन प्रणाली का, तो एक कंपनी है जो NIC जो है NIC जो लिए हुआ है, तो वही बता रहा है कि इनके द्वारा आपको 100% आंकड़ा को जो मतलब आप 100% आपको
टोकन प्रणाली हर माह करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद आगे बताया गया है कि विश्वास भाज्य यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है अनुसार पदाधिकारी का, आईसीडी निर्देश अनुसार यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी आपको यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे बताया गया विज्ञापन संख्या और दिनांक दिया गया आज का, इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे लिपि तकनीकी निर्देशक एनआईसी पटना का, तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है एनआईसी पटना को सूचनार्थक प्रेरित, तो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे सिग्नेचर मिल जा रहा है। तो आपको बता दें कि आप लोग ये जो जनवरी माह का 100% आप अपना टोकन प्रणाली के काम कर लें और अपना। तो थैंक यू हमारे यूट्यूब में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।